के मार्गदर्शक और इसी धरती के संतान श्रीमान जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी सुरेश कश्यप जी, संसद के मेरे साथी किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इसका उपहार देने का अवसर मिला है। और ये भी देखिए संयोग, विजयादशमी हो और विजय का रंग से रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है, कलुरारी मंडले धारा ऊपर हाइड्रो कॉलेज कने थल्ले एम्स होने ऐतिरिक पहचान हुई। भाइयों और बहनों, यहां विकास योजनाओं को आपको सौंपने के बाद जैसा जयराम जी ने बताया, एक और सांस्कृतिक साक्षी का विकार विरासत का साक्षी बनने जा रहा हूं। और बहुत वर्षों बाद मुझे एक बार फिर कुल्लू दशहरे का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा।